फिर यहाँ से हम प्रस्ताव भिजवा देंगे तो फिर दिल्ली लड़ाई होगी, जब अंदर सदन में रहेगा तभी ना। अब विरोध करके आप का पाओगे? विरोध करके आज के तारीख में देखो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सारे लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उठा के देखो, आप बसपा को उठा करके देखो, कहाँ लोग जा रहे हैं। तो सदन में जब तक आप नहीं रहोगे तब तक आप अपनी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ सकते हो। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि केजरीवाल जी दोषी हैं, वो इसलिए जो जैसा करता है इसलिए जेल में जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में चले गए, और अब तो जो उनकी एक मंत्री है तिशी दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर दबाव है कि बीजेपी ज्वाइन करिए, एनडीए में शामिल होइए, नहीं तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ईडी, हम भी तो गए थे जेल में, इसी बनारस चौका घाट में बंद थे हम भी 13 दिन तक। धरना प्रदर्शन में हम लोगों ने जो वहाँ किया, जो हमारे कुछ साथियों के द्वारा जो गड़बड़ी हुई उसमें हम भी जेल गए थे, हम भी बंद थे इसी चौका घाट में। ये कौन सी नई बात है? देखिए, किसी शरीफ आदमी को 25 करोड़ आबादी में हम कहें आप लोग हो, आपको क्यों नहीं ईडी पकड़ लेती, सीबीआई आपके घर क्यों नहीं आ जाती? जिसके घर पैसा है, अभी आपने देखा कि झारखंड में नोट गिनते गिनते मशीन गर्म होकर बंद हो गई, फिर दूसरी मशीन आई वो गर्म होकर बंद हो गई, 35,000 करोड़ रुपया निकला। तो क्या कहेंगे अब उस काम को, वो लोग कहें कि नहीं क्यों ईडी वहाँ चली गई? पहले ईडी के ऊपर काम करने पर रोक थी, अब ईडी स्वतंत्र है, अपने वो एजेंसी है, काम कर रही है, अब उसको कोई कहे तो का हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जेल की बात कर रहे हैं, बादा जेल के जेल अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है मुख्तार की हत्या के बाद। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर वो अप्लीकेशन दें तो जिन लोगों ने धमकी दी उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी, सरकार कटिबद्ध है। अच्छा प्रकाश जी, एक सवाल ये है कि तमाम जो नेता हैं वो गाजीपुर जा रहे हैं अफजाल अंसारी के घर पे शोक के समय में संवेदना देने के लिए, क्या आप भी जाएंगे? विचार करेंगे, उस पर बातचीत हो रही है। आप मानते हैं कि ये साजिश है? अब देखिए, परिवार के तरफ से ये आरोप हुआ कि मजिस्ट्रेटियल जाँच हो, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दे दिया और जांच शुरू हो गई। परिवार के तरफ से और कोई जांच की अगर डिमांड होगी तो उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है। सरकार जो चल रही है वो कानून का राज है, कानून के राज में जिसको भी न्याय के लिए जहां भी जो भी जिस एजेंसी से उनको सुकून मिले वो एजेंसी से जाँच कराई जाएगी। क्या मानते हैं कि मुख्तार हत्याकांड में या मुख्तार की मौत में सीबीआई जाँच होनी चाहिए? अब ये आपके कहने से नहीं ना होगा, ये जांच होगी तो उनके परिवार के तरफ से होगी ना, वो डिमांड करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा।